वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं जिशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर बेटा कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे तो चलते हैं आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन दो साइंटिस्ट सी एम गुल्डबर्ग एंड पी वैग इन्होंने एटीन सिक्सटी नाइन में लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किया था हम पहले इस लॉ की डेफिनेशन देखते हैं द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज Directly proportional to the product of the active masses of reactants. अगर chemical reaction में सिर्फ एक reactant involved है और हम उस reactant की molar concentration यानी active mass को increase करते हैं तो rate of reaction भी increase हो जाएगा। और अगर केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं तो हम तमाम रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन यानी एक्टिव मासिस के प्रोडक्ट को बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स हम इस लाह को ज्यादा सिंपल कर सकते हैं हम रिएक्टेंट कि एक्टिव मैस को बढ़ाते जाएं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा और अगर हम रिएक्टेंट के एक्टिव मैस को कम करते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स यहां हमने आइडिया बनाना है व्हाट इज एक्टिव मैस एक्टिव मैस को अभी मैंने मोलर कंसेंट्रेशन भी बोला और एक्चुअली मोलर कंसेंट्रेशन रेशियो है बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम मोल और वॉल्यूम के दरमियान जो रेशियो है इसे हम बोलते हैं एक्टिव मास या मोलर कंसेंट्रेशन हम जानते हैं कि वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब होता है तो मोलर कंसेंट्रेशन का यूनिट बनेगा मोल पर डीएम क्यूब इसे स्केयर ब्रैक्ट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने इस डेफिनेशन को थ्री और फोर टाइम्स अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है ताकि ये डेफिनेशन आपकी वेल well प्रिपेयर हो जाए डेरिवेशन ऑफ एक्वेलब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन सपोज ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स सी एंड डी ए और बी हम रिएक्टेंट्स कंसीडर कर लेते हैं सी और डी हम प्रोडक्ट कंसीडर कर लेते हैं यह एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं सी और डी प्रोडक्ट्स हैं रिएक्टेंट्स हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो आपस में केमिकली रिएक्ट होती हैं जबकि प्रोडक्ट्स हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो बनती हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव एक्टिवैस ऑफ रिएक्टेंट ए एंड एक्टिव एक्टिवैस ऑफ रिएक्टेंट बी स्केयर ब्रैकेट के साथ ही हमने डिस्कस किया मोलर कंसेंट्रेशन या एक्टिवैस आर एफ आरएफ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जबकि के एफ है रेट कॉन्स्टेंट For the forward reaction, active mass of reactant A into active mass of reactant B. This is equation 1. In the same way, rate of reverse reaction is directly proportional to the active mass of product C and active mass of product D. Mathematically, Rr any yani rate of reverse reaction kr rate constant for the reverse reaction into active mass of product C into active mass of product b and this is our equation number two. एट एक्विलिब्रियम माय डेयर स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोच करता है डायनामिक एक्विलियम स्टेट पर तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हमारे पास इक्वेशन वन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रेजेंट है हमारे पास इक्वेशन टू में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मौजूद है तो हमने कंपेयरिंग करनी है इक्वेशन वन की और इक्वेशन टू की एट द डायनामिक एक्वेबरियम स्टेट हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वेशन वन में था एफ इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी और हमारे पास इक्वेशन टू में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था के आर इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी माय डियर स्टूडेंट्स एक्टिव एक्टिवनेस या मोलर कंसेंट्रेशन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्केयर ब्रैकेट से और मोलर कंसेंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूप अगर हम कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे कर लें और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को राइट साइड पे कर लें तो केएफ ओवर के आर हम जानते हैं केएफ रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का जबकि के आर रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का सी कंसेंट्रेशन इनटू डी कंसेंट्रेशन डिवाइडेड विद ए कंसेंट्रेशन इनटू बी कंसेंट्रेशन के एफ ओवर के आर इज कॉल्ड केसी माई डेयर स्टूडेंट्स के सी ज कॉल्ड एक् विलबरियम कॉन्स्टेंट और हर रिवर्सिबल रिएक्शन का एक कॉन्स्टेंट फिक्स केसी वैल्यू होता है जो जस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट है यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है अदरवाइज किसी भी फैक्टर को चेंज करने से रिवर्सिबल रिएक्शन का के सी वैल्यू चेंज नहीं होता इसलिए केमिस्ट्री लिटरेचर में जहां जहां आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी वैल्यू गिवन होगा वहां टेम्परेचर लाजमी मेंशन होगा क्योंकि केसी डिपेंड करता है ऑन द टेम्परेचर हम लास्ट इक्वेशन से केसी यानी एक्विलियम कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं यह रेशियो है बिटवीन के एफ एंड के आर के सी रेशियो है बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन तो हमारे पास अब इक्वेशन डेवलप होगी के सी इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी डिवाइडेड विद मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी माय डेयर स्टूडेंट्स कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट इक्वेशन में देख सकते हो कि मैंने सी और डी को रिप्लेस किया है प्रोडक्ट से ए और बी को रिप्लेस किया है रिएक्टेंट से और ये जो लास्ट इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं एक्विल्ब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन या एक्विल्ब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और ट्रेडिशनली हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्विल्ब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में प्लेस की जाती है जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डी नोमिनेटर में पुट की जाती है दिस होल इक्वेजन इज कॉल्ड एक्विल्ब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन जिसमें के सी है एक्विलब्रियम कांस्टेंट। हमारे पास एक एग्जांपल है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में जब ये सिस्टम ये रिएक्शन अपने एक्विल्ब्रियम स्टेट पर पहुंचेगा तो हम इसका लिख पाएंगे एक्विलब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जिसमें प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन न्यूमिनेटर में है और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिनोमिनेटर में है माय डेयर स्टूडेंट्स दिस इज मैथमेटिकल डेरिवेशन आप लोगों ने ये टॉपिक तैयार करने के बाद इसको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक की मैं आप लोगों को एडवाइज करूंगा दो से तीन दफ़ा आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है ताकि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका वेल well प्रिपेयर हो जाए इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़